गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हिंदी कस्तूरी में आप लोगों का पुनरावृत्ति कराया जाएगा। हिंदी कस्तूरी के अंतर्गत आज का जो विषय है बोलती तस्वीर, जो पार्ट 3 के अंतर्गत में आता है। बोलती तस्वीर में एक कहानी जो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, आप लोग किताबों में पढ़े हैं, फिर भी मैं एक बार उसको दोहरा दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिसको आप लोग सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ दिया गया है बोलती तस्वीर। बोलती तस्वीर मतलब एक चित्र होता है, उस चित्र के माध्यम से क्या सीख मिलती है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। यह एक ऐसे बुद्धिमान बालक की कहानी है जो अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर से प्रेरणा पाकर राज्यसभा में स्थान पाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ऐसा बालक है जिसके पिताजी स्वर्गवासी हैं, वह उनकी तस्वीर से शिक्षा ले रहा है, प्रेरणा ले रहा है। थानेश्वर में महाराज हर्षवर्धन राज करते थे। थानेश्वर एक जगह का नाम है जहाँ के राजा हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन उच्च कोटि के विद्वान थे। हर्षवर्धन जो थे वे खुद एक विद्वान थे। वे विद्वानों का सम्मान किया करते थे। उनकी राज्यसभा अनेक विद्वानों, गुणवानों, पंडितों व योद्धाओं से सुशोभित रहती थी। मतलब वे विद्वान थे लेकिन फिर भी उनके राज दरबार में अनेक विद्वान रहा करते थे, अनेक ब्राह्मण पंडित योद्धा रहा करते थे और महाराज हर्षवर्धन उनका भी सम्मान करते थे। बालक के स्वर्गवासी पिता, यहाँ से पॉइंट मैं छोटा छोटा पॉइंट लिखा हूँ उसको मैं समझा रहा हूँ। बालक के स्वर्गवासी पिता किस्मत आजमाने का संकेत दे रहे थे। एक दिन वही बालक मंदिर पर सीढ़ियों के किनारे बैठा था और अपना गीत गा रहा था, जैसा कि आप लोग कहानी में पढ़े थे कि उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसकी माँ बीमार रहती थी, जैसे तैसे वह गुजारा करता था। कहीं नाटक मंडली में काम करता था तो कहीं गीत संगीत सुनाता था, तो ऐसे ही एक मंदिर पर सीढ़ियों के किनारे बैठा अपना गीत सुना रहा था, गा रहा था। तब तक महाराज हर्षवर्धन के दरबार से एक ब्राह्मण पुरस्कृत होकर के इनाम पा करके बहुत खुश चला रहा था और लोगों को नफरत भरी दृष्टि से देख रहा था। बालक को भी वह घृणा भरी दृष्टि से देखा और बालक तब अपने पिता की तस्वीर निकालता है और तस्वीर निकाल करके देखता है तो उसे ऐसे महसूस होता है कि उसके पिताजी उसे कह रहे हैं कि तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। बालक ने विद्वानों से 3 प्रश्न पूछा। जब बालक को उसके पिता से यह प्रेरणा मिलती है कि तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ, तो वह बालक सुबह उठता है, रात में उसे नींद नहीं आती है, सुबह उठने के बाद तैयार होता है, नए कपड़े पहनता है और पहनने के बाद उचित मौका देख करके राज दरबार में एक उचित स्थान देख करके बैठ जाता है और देख करके सबको समझने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जब ही मौका मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन से आज्ञा लेता है, अनुमति लेता है। अनुमति लेने के बाद वह बालक राज दरबार में उचित मौका देखता है और उचित समय देख करके राज दरबार में खड़ा होता है। महाराज हर्षवर्धन से आज्ञा लेता है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, तो महाराज हर्षवर्धन
उसे आज्ञा देते हैं, बोलने की अनुमति देते हैं, तो वह अपना प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। तो वह पहला प्रश्न पूछता है, मनुष्य बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। वह बालक सभी ब्राह्मणों से, विद्वानों से, जितने लोग बैठे थे, उनसे पूछता है कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। सारे लोग चुप रह जाते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं मिलता है। तब वह बालक महाराज से आज्ञा लेता है और उत्तर देता है कि बुद्धि मनुष्य के होठों पर निवास करती है, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना हो बुद्धिमान है, यदि उचित समय पर वह उचित उत्तर नहीं देता है तो उसे बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। इसलिए सही समय पर सही उत्तर देने वाला जो व्यक्ति होता है वही बुद्धिमान होता है, अर्थात जो बुद्धि होती है मनुष्य के होठों पर निवास करती है। सारे लोग शांत रहते हैं। इसके बाद बालक ने फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि बुद्धि क्या खाती है। और बालक अगला प्रश्न पूछता है कि बुद्धि क्या खाती है। अब लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं कि बुद्धि कोई जीवधारी तो है नहीं, तो बुद्धि क्या खाएगी। तो फिर वह बालक उत्तर देता है कि बुद्धि समय खाती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय से और उचित निर्णय लेकर के जो उत्तर देता है वही बुद्धिमान माना जाता है, और बिना सोचे समझे उत्तर देने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न पूछता है कि बुद्धि क्या मानती है, इसका भी किसी के पास कोई उत्तर नहीं। तब सम्राट हर्षवर्धन कहते हैं कि बेटा आप ही इसका उत्तर दो, अगर आप इसका उत्तर दोगे तो मैं अपने जैसा राशि पोशाक आपको दूंगा। और वह राशि पोशाक पहनता है। पहनने के बाद अपने पिता की तस्वीर को वह देखता है, जैसे मानो राशि पोशाक अपने पिता को दिखा रहा हो। दिखाने के बाद जितने लोग दरबार में बैठे थे उनके झुके हुए चेहरों को देखता है। देखने के बाद तब वह उत्तर देता है कि बुद्धि राशि पोशाक पहनती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वह हर कार्य को संभव बना सकता है। और आगे चलकर यह बालक संस्कृत भाषा का विद्वान हुआ। यही बालक आगे चलकर के संस्कृत का महान विद्वान हुआ, जिसको कि आज हम लोग बाणभट्ट के नाम से जानते हैं। बाणभट्ट की जो प्रसिद्ध रचनाएं हुई हर्षचरित, जो संस्कृत में लिखी गई है, महाराज हर्षवर्धन के जीवन परिचय से संबंधित रचना लिखी गई है हर्षचरित, इसके बाद कादंबरी, ये सब कुछ मुख्य किताबें लिखी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको आज भी लोग बहुत ही सम्मान के साथ पढ़ते हैं और उनका आदर करते हैं। धन्यवाद।